संज्ञान लिया कैबिनेट ने कि अभी चाइना से दो फ्लाइट में वुहान से 600 से ज्यादा भारतीय छात्र एवं नागरिकों को एयर इंडिया ने वापस लाया, 600 से ज्यादा। यू हैव ऑलरेडी टू फ्लाइट्स हैव लैंडेड एंड वी हैव ऑलरेडी ब्रॉट बैक अवर 600 प्लस स्टूडेंट्स एंड सिटीजन्स हु वेर इन वुहान, सो वी हैव ब्रॉट देम हियर। तो ये जो आए हैं इनको आखिर 12 घंटे उनके साथ एयरपोर्ट एयरक्राफ्ट के क्रू का जाता है, कोई भी डरेगा कि भाई मैं क्यों जाऊं, वहां इतना इन्फेक्शन हो रहा है तो मैं जाऊंगा इनको लाऊंगा तो इन्फेक्शन होगा, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा। अपने ड्यूटी को प्राथमिकता देते हुए एयर इंडिया के पायलट हो बाकी क्रू हो, उन्होंने ये काम किया, आनंद से किया, इसलिए उनको बधाई देने वाला भी बधाई दी आज कैबिनेट ने और सबने उसका बहुत स्वागत किया क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण काम एयर इंडिया के स्टाफ ने किया है। वुहान में जो लोग भारतीय फंसे हैं उसका इवैक्यूएशन के लिए एयर इंडिया सामने आया है और आज उसकी फ्लाइट है, क्या डिटेल्स है सर, पूरी जानकारी दें। देखिए, एयर इंडिया तो नेशनल कैरियर है, राष्ट्रीय ध्वजवाहक, तो जब भी राष्ट्र के लिए कोई जरूरत होती है तो उसमें एयर इंडिया हमेशा आगे आता है। पास्ट में भी आया है, कई इवैक्यूएशंस किए हैं एयर इंडिया ने और आज वुहान से इंडियंस को इवैक्यूएट करने की तैयारी है। हम लोग एक बोइंग 747 जंबो को भेज रहे हैं जिसमें करीब 400 इंडियंस को वहाँ से इवैक्यूएट किया जाएगा। ये अभी जाएगा करीब 12 बजे के करीब यहाँ से और रात के 2 बजे के करीब 2-3 बजे करीब लौटेगा। सर, बताया जाता है कि परमिशन मिलने में काफ़ी समय लग गया क्योंकि एयर इंडिया ने अपने जहाज़ को बहुत पहले से ही तैयार करके रखा था, थोड़ा बता पाएंगे सर कहाँ पे किस तरीके से ये थोड़ी सी देरी हुई? देखिए, परमिशंस लेना हमारा काम नहीं है, हमारा काम जहाज़ को तैयार करना है, जहाज़ को उड़ा के ले जाना है, वहाँ से पैसेंजर्स को उसमें बैठाना है और वापस आना है। परमिशंस MEA ले रही थी तो वो आपको प्रश्न उन्हीं से पूछना पड़ेगा। किस तरीके की सर आगे की जानकारी होगी, कैसे उन लोगों को लेकर आएंगे, कहां पर लेकर आएंगे और कैसे रखेंगे, कौन लोग जा रहे हैं जहाज में? सर देखिए, जहाज में जो जितनी टीम है उस टीम को हमारे डायरेक्टर ऑपरेशंस अमिताभ लीड कर रहे हैं, कमर्शियल के स्टाफ भी हैं, ग्राउंड हैंडलिंग के स्टाफ भी हैं, नॉर्मल ऑपरेशंस के लोग तो हैं ही, पायलट्स हैं, केबिन क्रू हैं, इंजीनियर्स हैं, ये सब तो हैं, डॉक्टर्स भी हैं, तो सब यहाँ आएंगे और उसके बाद पैसेंजर्स का जो इंतजाम करना है वो MEA और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के